अस्सलामु अलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्स का फोर्थ एडिशन है, प्रॉब्लम 5.12, चैप्टर 5 चल रहा है मैग्नेटोस्टैटिक का। वो कहता है एग्जांपल 5.6 का रिजल्ट इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल ऑफ द रेडियस आर टोटल चार्ज क्यू स्पिनिंग एट द कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम पहले एग्जाम्पल 5.6 का रेफरेंस देख लेते हैं। वहां पे एक रिंग दिया गया था जिसका रेडियस आर था और पी पॉइंट की दूरी पे हमसे फील्ड मांगी गई थी। तो हमने वो फील्ड कैलकुलेट की थी म्यू नॉट आई ओवर टू आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस जी स्केयर की पावर 3π/2। अब क्या जनाब, इस रिजल्ट को वो कहता है इस्तेमाल करो ताकि आप शेल के अंदर एक यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर देख सकें। तो क्या करते हैं हम, कहते हैं कि हम शेल को डिवाइड कर लेते हैं रिंग्स की हालत में, तो इससे वही शक्ल बन जाएगी जैसे यहाँ पे बनी हुई है। तो हम कहेंगे कि भाई सेंटर से एक दूरी आर है, तो एक कंपोनेंट आर कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, एक आर साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। जो रेडियस का किरदार होगा वो आर साइन थीटा अदा करेगा इस रिंग का, और जो जी एक्सिस का किरदार होगा वो आर कॉस थीटा अदा करेगा। तो हम कहेंगे वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, आर की जगह आर साइन थीटा आ जाएगा, जी की जगह आर कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। इन सब को लेके सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा बचता है सिर्फ। अब आपके पास डी बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट ओवर टू आर, यहाँ से आर बाय ले लिया कॉमन लेके, और यहाँ पे आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा डी आई। अब हमें डी आई की वैल्यू चाहिए। डी आई हम जानते हैं कि भाई सरफेस है। अब आपके पास तो हम कहेंगे सरफेस करंट डेंसिटी ले लेते हैं, तो आर डी थीटा, तो यहाँ से आपके पास हम कहेंगे डी आई ओवर आर डी थीटा के बराबर होता है। के की एक दूसरी वैल्यू अभी हमें पता होता है रो वी, तो वो वैल्यू डाल दी आपने। अब आपके पास के की वैल्यू लग गई, आपके एरिया सरफेस की वैल्यू लग गई, देन रो हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू 4πr², वो वैल्यू लग गई। वी आप जानते हैं आर ओमेगा साइन थीटा, वो वैल्यू लगा दी। इन सब को सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लिया क्यू ओमेगा 4π साइन थीटा डी थीटा। अब इस डी आई की वैल्यू को इस जगह पे प्लेस कर दिया तो डी वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस सारे को डी, तो एक पैच की थी सारी, जीरो से पाई तक की अगर हम इंटीग्रेट करें तो आपके पास कांस्टेंट फैक्टर बाय चल जाएंगे, साइन क्यूब थीटा बन जाएगा डी थीटा। साइन क्यूब थीटा को तोड़ के लिखा जा सकता है साइन स्केयर थीटा, साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे साइन स्केयर डी थीटा 1 कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन की जा सकती है, कॉस को टी के बराबर ले लो, साइन थीटा डी थीटा जब उसका डिफरेंशियल करोगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे तो माइनस नहीं है तो वो माइनस डी टी के साथ लगा देंगे, तो 1 - t² - dt माइनस डी टी अंदर जरब खा जाएगा, तो -1 dt आ जाएगा प्लस t² dt नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इंटीग्रल उठा लेंगे -t बन जाएगा प्लस t³/3 बन जाएगा। आप टी की तो हम जानते हैं कॉस थीटा है, वो कॉस थीटा की वैल्यू लग गई। इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो 4/3 आंसर आ जाएगा। इन सब को लेकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास म्यू नॉट क्यू ओमेगा 6π r आ जाएगा। z एक्सिस की जानिब डायरेक्शन होगी।